तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम के फेसबुक पेज और फेसबुक पेज के साथ लाइव क्लास देख रहे हैं। हमारा ये जो क्लास है, हमारी EMMC क्लास की डे टू की क्लास है। हम राइटिंग सीख रहे हैं, हम टेस्टिंग, फॉर्मेटिंग, बैकअप लेना, ये सारे चीज़ सब कुछ सीख चुके हैं। और यहाँ पे आपको फ्री में भी एडवाइस दे रहे हैं कि किस तरीके से क्वालकॉम CPU में आप ऑनलाइन ऑफलाइन फोन को आप राइटिंग कर सकते हैं। और साथ में आप एशिया टेलीकॉम को बिना जाने ना कोई कमेंट करें ना कुछ कर सकते करें, आप खुद आइए एक बार और आके क्लास लीजिए। क्या बोलते हो, क्लास ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? एक बार क्लास दिखा दीजिए कि एक बार क्लास को आके ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करने के बाद आप देखिए यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है, क्या नहीं सिखाया जा रहा है, उसके बाद आप कुछ बोलेंगे। आप यहाँ पे हम आते हैं मेन टॉपिक में। आप हम जो आए हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ सिखाने के लिए फ्री में, ये चीज़ है क्वालकॉम CPU को हम कैसे राइट करेंगे, कि शॉर्टकट वे में हम किस तरीके से टाइम बचाते हुए काम करेंगे। क्योंकि IC को अगर हम UFI से फ्लैश करेंगे तो 9 MB/s स्पीड होगा, अगर USB से फ्लैश करेंगे तो 40 MB/s हमारा काम होगा। तो USB से काम किस तरीके से करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम ले लेंगे ऑनलाइन फ़ोन। कौन सी फ़ोन? ऑनलाइन फ़ोन। ऑनलाइन फ़ोन में सबसे पहले क्या राइट करेंगे? EXTCHD। क्या राइट करेंगे? EXTCHD राइट करेंगे। कौन सी फाइल राइट करेंगे? थोड़ा स्क्रीन पे दिखाइए कि किस तरीके से राइट करना है। हमें आना है यहाँ पे और यहाँ पे EXTCHD जो लिखा है देख रहे हो, EXTCHD। कौन सी CPU है? क्वालकॉम। कौन सी CPU है? क्वालकॉम। तो क्वालकॉम में क्लिक करना है। किस में क्लिक कर देंगे? क्वालकॉम। तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है क्या क्रिएट हो जाएगा? 0x38 क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा? 0x38। तो सबसे पहले क्या राइट करना है? क्या राइट करना है? EXTCHD। नंबर टू जाना है आपको फैक्ट्री इमेज में। कहाँ पे जाना है? अभी तक हम लोग देख रहे थे प्रोग्राम और यूजर पार्ट। क्या देख रहे थे? प्रोग्राम और यूजर पार्ट देख रहे थे। आपको जाना है कहाँ पे? फैक्ट्री इमेज में। कहाँ पे जाना है? फैक्ट्री इमेज। लिखो, फैक्ट्री इमेज में जाना है। कहाँ पे जाना है? फैक्ट्री इमेज। आपको जाना है फैक्ट्री इमेज में जाना है। और यहाँ पे आपको वेंडर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वेंडर। क्या लिखा हुआ है? वेंडर। थोड़ा दिखाइए ऊपर, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे वेंडर जो लिखा हुआ है या प्लेटफॉर्म या ब्रांड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको MediaTek नहीं, क्वालकॉम नहीं, आपको क्वालकॉम ही सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है? क्वालकॉम। क्या सिलेक्ट करना है? क्वालकॉम सिलेक्ट करना है। फैक्ट्री इमेज में जाना है और क्या सिलेक्ट करना है? क्वालकॉम सिलेक्ट करना है। क्वालकॉम सिलेक्ट करने के बाद नंबर थ्री में आने के बाद यहाँ पे आपको फ्लैश फाइल डालना है। आपका जो ऑनलाइन फ़ोन है, जैसे कोई आपके पास ओप्पो A3SR, रियलमी 2 है या ओप्पो A7 है, ओप्पो A5 है, ये सारी फाइल जो OFP फाइल आता है, इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको रॉ प्रोग्राम पैच 0 फाइल मिल जाएगा। और ये रॉ प्रोग्राम पैच 0 फाइल को आपको यहाँ पे डालना है। जैसे हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं दिखा रहे हैं, जैसे सपोज मान लीजिए मेरे पास एक फाइल है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। तो जैसे मैं एक फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक फाइल एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। और यहाँ पे जो फाइल है हमारा क्वालकॉम CPU है, क्वालकॉम CPU में फ्लैश फाइल आपका क्या आएगा? रॉ प्रोग्राम और पैच 0। तो रॉ प्रोग्राम मैं डिसलेक्ट करूंगा और पैच 0 सिलेक्ट करूंगा। ये डालने के बाद आपको मस्ट भी देखना है, रॉ प्रोग्राम फ्लैश फाइल सिलेक्ट करना है। फ्लैश फाइल सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है? फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल सिलेक्ट करने के बाद मस्ट भी एक चीज आपको करना है, जिसके बिना आपका फोन चालू ही नहीं होगा। आपको देखना है कि यहाँ पे सारा फाइल पे टिक रहना चाहिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं मिस फाइल में अनटिक है, ये सारे फाइल में अनटिक है, आपको क्या देखना है कि सारा फाइल में क्या है? मस्ट भी टिक रहे। मस्ट भी क्या रहे? टिक रहे। ये मस्ट भी आपका जरूरी है ना। नंबर थ्री में फ्लैश फाइल डालने के बाद आपको क्या देखना है कि सारा फाइल पे मस्ट भी क्या रहे? टिक रहे। टिक रखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे राइट बटन में क्लिक करना है। किसमें क्लिक करना है? राइट बटन में क्लिक करना है। तो जैसे राइट करेंगे आपका जो फ्लैश फाइल है वो राइट होना चालू हो जाएगा। क्या होना चालू हो जाएगा?
राइट, फ्लैश फाइल क्या होना चालू हो जाएगा? राइट, फैक्ट्री में से हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्लैश फाइल को राइट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं. जैसे ही आपका फ्लैश कंप्लीट हो जाएगा तो नंबर फोर में आना है आपको. नंबर फोर में आने के बाद आपको यहाँ पे डालना है जो आपका बैकअप है, मॉडर्मिस्ट वन, मॉडर्मिस्ट टू और FSC, ये मस्ट भी बैकअप में लेना है. वही जो IME बेसमेंट की फाइल, इसको राइट करना है आपको. आपको यहाँ पे IME और बेसमेंट की फाइल को क्या करना है? राइट करना है. क्या करना है? राइट. तो IME बेसमेंट की फाइल राइट करने के लिए मुझे कहाँ आना पड़ेगा? कहाँ आना पड़ेगा? यूजर एरिया पार्ट में. कहाँ पे आना पड़ेगा? तो उसके बाद मैं आ जाऊंगा यूजर एरिया पार्ट में. और यूजर एरिया पार्ट में आने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा IME बेसमेंट की फाइल. जहाँ पे भी हम सेव करके रखेंगे वहाँ पे जाना है. जैसे सपोज यहाँ पे देखेंगे, ये जैसे देख सकते हैं आप, मॉडर्मिस्ट वन, मॉडर्मिस्ट टू और FSG, इसको क्या करना है? डबल क्लिक करके ऐड करना है. ऐड करने के बाद आपको सिंपली क्या कर देना है? राइट कर देना है. क्या कर देना है? राइट कर देना है. नंबर फाइव में आना है. नंबर फाइव में आपको यहाँ पे क्या करना है कि सर आपको IC को बोर्ड में फिक्स करना है. किस में फिक्स करना है? बोर्ड में. IC को कहाँ पे फिक्स करना है? बोर्ड में. और नंबर सिक्स, क्वालकॉम में कभी भी डम फाइल का यूज नहीं करना है. क्वालकॉम में मस्ट भी ये याद रखिएगा, क्वालकॉम में कभी भी डम फाइल यूज नहीं करना है. क्योंकि क्वालकॉम में अगर डम फाइल आप यूज करेंगे तो सेम वर्जन की फाइल भी यूज करना है. अगर आप V10 का, अगर आप एंड्रॉयड वर्जन 9 का अगर आप डम फाइल यूज कर रहे हैं तो सेम वर्जन की फ्लैश फाइल यूज करना है. इससे अच्छा, क्योंकि क्वालकॉम की फ्लैश फाइल के अंदर क्रिटिकल की फाइल और नॉर्मल फ्लैश फाइल की फाइल, जो फाइल होता है मोबाइल फ़ोन बूट होने के लिए जितने भी फाइल चाहिए वो सारा फाइल अवेलेबल होता है. इसलिए हम कभी भी क्वालकॉम में डम फाइल राइट नहीं करेंगे. यहाँ पे कहीं पर भी लिखा है डम फाइल राइट करना? नहीं. सबसे पहले क्या राइट करना है? EXE. उसके बाद कहाँ पर जाना है? क्या राइट देना है? उसके बाद क्या देखना है? मस्ट भी सारा फाइल का टिक है कि नहीं. उसके बाद क्या देखना है? IME बेसमेंट की फाइल राइट करना है. क्या राइट करना है? IME बेसमेंट. उसके बाद IC को क्या करना है? उसके बाद मोबाइल फोन क्या होना चाहिए? कम्प्लीटली चालू होना चाहिए. क्या होना चाहिए? इसको बोलते हैं ऑनलाइन फोन को ऑफलाइन प्रोग्राम करना. क्या बोलते हैं? ऑनलाइन फोन को ऑफलाइन फोन करना, ये करना. अब हम देखेंगे थोड़ा सा ऑफलाइन मोबाइल. क्या करना? ऑफलाइन मोबाइल का देखेंगे. ऑफलाइन, एक सेकंड. अब ऑफलाइन मोबाइल में क्या है कि नंबर वन, ऑफलाइन में नंबर वन EXTCHD राइट करना है. क्या राइट करना है? क्या राइट करना है? EXTCHD. ठीक है. ओनली फॉर खाली IC को फॉर्मेट करने के बाद, टेस्ट करने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है? EXTCHD राइट करना है. उसके बाद नंबर टू, IC को कहाँ पे लगा देना? बोर्ड में लगा देना. IC को कहाँ पे लगाना है? बोर्ड में लगाना. नंबर थ्री, USB से क्या करना है? USB से फ्लैश करना है. और अनलॉक टूल कभी भी यूज नहीं करना है ब्लैंक IC के टाइम पे. जैसे हमने ब्लैंक IC लगा रहे हैं ना, खाली क्या राइट कर रहे हैं? EXTCHD राइट कर रहे हैं. क्या राइट कर रहे हैं? EXTCHD. हमेशा आपको यहाँ पे यूज करना होगा क्या? UMT. अगर आप EXTCHD यूज करेंगे इस कंडीशन में तो आपका क्या होगा कि सर परसिस्ट फाइल राइट नहीं होगा, जिस कारण मोबाइल फोन सेकेंड लोगो रनिंग रहेगा और आगे नहीं बढ़ेगा. तो आपको हमेशा UMT यूज करना है. क्या यूज करना है? UMT. ठीक है. अब जैसे ये हो जाएगा, नंबर फोर में आएंगे. नंबर फोर में IMEI और बेसबैंड की फाइल, कौन सी फाइल? ये फाइल आपको USB से ही राइट करना है. किस तरह राइट करना है? USB से. और वो भी किसके मदद से? UMT के मदद से. कौन सी, किसकी मदद से? UMT की मदद से. आपको ये मॉडर्मिस्ट वन, मॉडर्मिस्ट टू और FSG फाइल को किससे राइट करना होगा? USB से फाइल राइट करना होगा. और नंबर सिक्स में होना चाहिए, नंबर फाइव में होना चाहिए, आपका फोन कंप्लीट में क्या होना चाहिए? चालू होना चाहिए. कंप्लीटली IME के साथ क्या होना चाहिए? रन होना चाहिए. तो ये जानकारी थोड़ा दिखिएगा अच्छे तरीके से.
और देखने के बाद अगर काम में आया तो एक लाइक शेयर और जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी इज्जत की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्र। हाँ नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऐसे दिल की फेसबुक पेज लाइव। आज हमारी ईएमएमसी की क्लास की डे टू है। जिस तरीके से हम डेली क्लास में एंडिंग पॉइंट में आते हैं और हम बताते हैं कि स्टूडेंट सीखे कि नहीं सीखे, हम अभी जो है हम यूएफआई बॉक्स कैसे ऑपरेटिंग या जेटेक बॉक्स कैसे ऑपरेटिंग या मेडुसा या आपकी वीपी टेस्टर कैसे ऑपरेट किया जाता है, ये सारी चीज़ सीख रहे हैं। तो हम थोड़ा स्टूडेंट की तरफ दिखाएंगे। भाई आज हमारे ईएमएमसी की कौन सा क्लास है? दूसरा, सेकेंड डे। कौन सा? सेकेंड डे। आज हमारी जो कोडिंग है DBFTW पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ है। किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसको कंफ्यूजन है हाथ उठाओ। किस किस को समझ में आया एक बार हाथ उठाओ। कोई कंफ्यूजन? राइटिंग में क्या हर मोबाइल में डम फाइल जरूरी है? हर मोबाइल में क्या डम फाइल जरूरी है? विदाउट डम भी प्रोग्राम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने पेस्टेड आईसी भी थोड़ा बहुत काम किए हैं आज, क्योंकि पेस्टेड आईसी में डेली काम करना हमें जरूरी है, क्योंकि जितना हम काम करेंगे उतना हैंड स्किल हमारा बढ़ता रहेगा, है ना जी सर। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे हम एक के बाद एक से बात करने चाहते हैं। ये पीछे से क्या नाम है आप? नहीं पीछे पीछे, हाँ आप क्या नाम है आपका? आजाद कुमार। कहाँ से है आप? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आप है। आप ये कॉपी में क्या लिखे हैं ये सब? नोट्स, प्रोग्राम करने की नोट्स। किस तरीके से यूएफआई बॉक्स को ऑपरेट करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सारा सब कुछ लिखे हैं आप। ये रफ है, ये प्यार है। अच्छा ये रफ प्यार करना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है, ठीक है। और मुझे बताइए आपकी क्लास कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आपको बोलूं कि डे वन से लेकर अभी तक, डे वन से तो ये कैसा चल रहा है? डे वन से लेकर अभी तक बढ़िया, बहुत कुछ समझ में आया। आगे चलकर तो अब हम लोग बहुत कुछ देखने वाले भी है। और मैं बात करूं कि आपकी कहां से हैं आप? छत्तीसगढ़ से। अगर कोई आना चाहे तो क्या बोलना चाहेंगे? सर आए एक बार डेलकॉम में, आए एक बार और जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे जो नॉलेज है ये आपको जो नॉलेज मिल रहा है क्या, ये यूट्यूब वाला ज्ञान मिल रहा है क्या? यूट्यूब वाला ज्ञान मिल रहा है क्या? यूट्यूब में कभी इस तरीके से देखे होंगे आप प्रोग्रामिंग करना इस तरीके से? ठीक है, हमारे साथ और एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? अमन नाम है। आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? ईएमएमसी का क्लास। इससे पहले तो आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की क्लास किए थे एशिया टेलीकॉम से, और इसके बाद हमने आपने ईएमएमसी की क्लास करने आए हैं। तो ईएमएमसी की कितने दिन की क्लास हुआ? दो दिन की क्लास में क्या कैसा है? बहुत कुछ मिला है। आप कितने दिन से यूएफआई यूज कर रहे हैं? यूएफआई तो डेढ़ साल से यूज कर रहे हैं। जितना दो दिन में मिला जितना ज्ञान, मैं अगर आपकी डेढ़ साल से और ये दो दिन का कंपेयर करूं तो बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। तो हम लोग अभी जो यूएफआई में करते थे वो क्या तुक्काबाजी करते थे? तुक्काबाजी, अनलॉकिंग करना, ये कर लेना, ये यूट्यूब का सहारा। क्या यूट्यूब का सहारा लेके कि परफेक्ट प्रोग्रामर बना जा सकता है? कभी नहीं सर, कभी नहीं। परफेक्ट प्रोग्राम बनने के लिए आपको जरूरी है ज्ञान की, है ना, पूरी की पूरी नॉलेज की चाहिए कि किस तरीके से एक सेट ऑपरेट होता है, किस तरीके से एक चालू होता है, कौन कौन सी फाइल होता है तो मोबाइल फोन बूट करेगा, कौन कौन सी फाइल होगा तो मोबाइल फोन बूट नहीं करेगा। तो मैं और एक स्टूडेंट से पूछना चाहूँगा, हमारे पीछे है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष। आशीष, यूपी से। बताइए क्लास कैसा चल रहा है आपका? बहुत बेहतरीन चल रहा है, प्रॉपर नॉलेज मिल रहा है। और आपकी पेस्टेड आईसी की बात करूँ तो कलम मैंने पेस्टेड आईसी में कल भी काम किया था और आज भी काम किया था, थ्योरी भी हो रही, प्रॉपर उसका प्रैक्टिकल भी हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं सिर्फ बताते जा रहा हूँ या उसी चीज का? नहीं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। और आपकी जो बनाई हुई थ्योरी है जो DBFTW जी जी हमने थ्योरी किया है, समझा स्टेप बाय स्टेप। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ओवर, हम मिलेंगे फिर कल एक और एक लाइव के साथ, एक सबके लिए क्लैप्स हो जाए।
तो ये हमारी सेकंड दिन की एमसी की क्लास और चल रही है यहाँ पे ब्लैक प्रेस्टेड पे। तो जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे नहीं। पेपर सीधा चलाइए, ऐसे नहीं बोर्ड को क्रॉस करते रहिए। ब्लू कट कर रहे हो? हाँ सर। सीधा स्टेपर, सीधा क्रॉस नहीं, बोर्ड अड़के चढ़ा करो और स्टेपर सीधा चलाओ और क्रॉस करो। स्टेपर तुम्हारा ऐसा चलना चाहिए, ऐसा क्रॉस नहीं है, ऐसा चलना चाहिए और ऐसा करो, ठीक है? ओके सर। सीधा स्टेपर चलाओ, निकाल दिए। यस सर।
डाल दिया। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। मिस्टर, अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।